इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान भी है और ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की धमकी को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां 1 अक्टूबर को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 था। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए गए हैं। भारद्वाज सर, अब सवाल इसी आधार पर, जाहिर सी बात है ईरान भले ही हम अभी तक ये देख रहे हैं कि प्रॉक्सी ज्यादा एक्टिवेट हो चुके, इग्नाइट होते हुए हम लोग को इजराइल का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान की भी तो अपने स्तर पर तैयारी। देखिए, इसको दो पर्सपेक्टिव से देखिए। पहला जो है कि इसराइल क्या करना चाहता है, वो एक्चुअली इनके 3 टारगेट है। वो खाली इसराइल का नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का भी, ये मिडिल ईस्ट के जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई, सारे कंट्रीज हैं, कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसको ख़त्म कर। पहला टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट, अमेरिका, इसराइल, बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनना देना चाहते। दूसरा जो टारगेट है कि जो इनका मिसाइल और जो ड्रोन, जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसकी सप्लाई किसको हो रही है? रशिया को हो रही है, चीन को हो रही है, बाकी लोगों को हो रही है। तो इनको जो इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको भी ख़त्म करना दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि जो इनके प्रॉक्सीज हैं, जो मिडिल ईस्ट में या इसराइल के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें सीधा सीधा हिजबुल्ला है, इनडायरेक्टली हूती है, और बाकी जो इस्लामिस्ट मिलिशिया हैं जो ईरान, इराक में, सीरिया में, इनको ख़त्म करना। तो तीनों टारगेट इसराइल के हैं और इसमें समर्थन ना केवल अमेरिका का, बाकी जो मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्री जो साइलेंटली देख रहे हैं उनका भी समर्थन है। दूसरा बात, जहाँ पर ईरान की बात है, ईरान का जो महत्वाकांक्षा है कि मैं इस मिडिल ईस्ट में अपना एक वर्चस्व हो और ईरान एक पावर के रूप में, और जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है जो आज तक अमेरिका और सऊदी अरबिया देख रहा है, वो चीन और रशिया और ईरान, ये बाकी जो रॉग स्टेट है, उसमें मिलके मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा करे और ये कंट्रोल करे ऑयल प्राइसेस को, ऑयल एक्सपोर्ट को, और ये निश्चित करे कि अरबियन सी या इंडियन ओशन सी में कौन डोमिनेट करे। तो ये लड़ाई जो है, ये बड़ी लड़ाई है, छोटे स्तर पर लड़ी जा रही है, और अगर ये खत्म नहीं हुई तो ये मान के चलिए कि बड़ी लड़ाई बहुत बड़ी होती चली जाएगी। और उसी में ही साइलेंटली देखिए, आप ये देखिए, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट है, बाइडन और ट्रंप, दोनों की नीतियों में कोई फर्क नहीं है इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, दोनों। यानी आप कह रहे हैं कि अगर इसका विस्तार हुआ तो विस्तार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और दुनिया के कई बड़े देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। और देखिए, ईरान की फिर इसराइल को चेतावनी सामने आई है। ईरानी सेना के प्रमुख हुसैन सलाबी ने कहा, हमले के गंभीर और अकल्पनीय परिणाम होंगे, ईरान पर इसराइल का हमला नाकाम। यानी कि जो दावा इसराइल की तरफ से किया जा रहा है उसके ठीक उलट ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईरान पर यह जो हमला था वो सफल नहीं हुआ। अब सवाल ईरान के प्रतिशोध को लेकर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह बड़ी बात जानी है, क्योंकि अब ईरान से इसराइल को लगातार जिस तरीके से चेतावनी मिल रही है उसी के तहत इंपॉर्टेंट यह है समझना, जहां खमेनेई, सेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय, रवि लगातार धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल, इसराइल को सबक सिखाना होगा, ये खमेनेई ने कहा है, और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इसराइल पर हम अभी हमले करेंगे, यही संकेत है। हुसैन सलामी जो कि IRGC के चीफ है, वो क्या कह रहे हैं, इसराइल पर अकल्पनीय हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा। हालांकि इस्माइल बाघाई जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से भी जवाबी हमले को लेकर ये बात कही गई कि निश्चित तौर से हमलों को अंजाम तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें अब इराक ने इसराइल के खिलाफ UN में जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई है उस आधार पर भी बात समझनी जरूरी है, रवि। और हमले के लिए इराकी एयर स्पेस के इस्तेमाल की शिकायत भी की गई है, क्योंकि हमें याद होगा कि सारे जो फाइटर जेट्स थे वो इराक के एयर स्पेस से होकर गुजरे थे। तो ये तमाम चीजें हैं, ईरान का ये दावा कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे जिसकी कल्पना इसराइल नहीं कर सकता। सुमित, अब सवाल ये है कि एक लंबी लड़ाई, ईरान के रियाल की देखें स्थिति तो भारतीय करेंसी के हिसाब से भी वो बहुत पीछे, यानी 1 रुपए और 500 रियाल के बराबर की स्थिति है। तेल, कच्चे तेल की कीमतें अचानक से ड्रॉप हो रही हैं, क्या वाकई में ईरान किसी लंबी लड़ाई में जाने के स्थिति में है, तब जबकि कितने सारे सैंक्शंस वो झेल रहा और इतने सारे प्रॉक्सीज को भी पाल के रखा है। देखिए, एक बात तो तय है रवि, कि ईरान की और इसराइल की अदावत या आपस में जो
विरोध है, ये अभी का नहीं है, बहुत लंबे समय का। और इसी वजह से ईरान ने ये प्रॉक्सीज को क्रिएट किया था। ईरान को ये उम्मीद थी कि हमेशा इन्हीं प्रॉक्सीज की मदद से वो इसराइल पर एक दबाव बना के रखेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये प्रॉक्सीज थे, लेकिन हुआ क्या कि ईरान इनको कंसोलिडेट नहीं कर पाया, ईरान इनको इकट्ठा नहीं कर पाया इस ताकत को। और यही वजह थी कि इसराइल ने इन ताकतों को एक एक करके मार गिराना या फिर इनको न्यूट्रलाइज करना, इनको तोड़ना शुरू कर दिया। अब ईरान की हालत यह है कि ईरान के इकोनॉमिक सैंक्शंस उस पर बहुत हावी हैं, उसके न्यूक्लियर प्लान का बोझ उस पर बहुत ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह उसके अपने वजूद का बोझ उस पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि ईरान सीधे तौर पर लंबी लड़ाई में नहीं जाना चाहता, और ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम्स को या फिर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर्स की पूरी कमांड को यह पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सिविल वॉर या सबसे बड़ी सिचुएशन उनके अपने ही ग्रह अपने अपने क्षेत्र में फैल जाएगी। और इसी वजह से ईरान बहुत फूक कर बहुत लिमिटेड वे के अंदर एक्शंस कर रहा है, बहुत पूरी तरीके से वॉर में ईरान भी नहीं जाना चाहता।